हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बहुत सारा लोग जो कि क्वेश्चन कर रहा था कि जो है कि स्टील फिक्सर का यानी बार बेंडिंग का क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है उसका बनाइए, तो और उसके अलावा प्लास्टर का, और कुछ लोग जो कि शटरिंग कारपेंटर का भी बोल रहे थे। लेकिन दोस्त, मैं आपको बता दूँ कि सबका तो मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन बार बेंडिंग का मेरे पास इस समय जो कि पेपर आ चुका है, तो उसका दोस्तों मैं आपके सामने जो कि क्वेश्चन आंसर प्रेजेंट करूंगा। बाकी दोस्तों, जैसे ही बाकी वो दो पेपर जो आता है तो उसका जो कि मैं आपके सामने वीडियो बनाऊंगा। और दोस्त, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो मेरा ट्रेड टाइल मेसन है और ये जो कि स्टील फिक्सर है, तो स्टील फिक्सर का दोस्त मैं आपको क्लियर कर दूं कि स्टील फिक्सर का आंसर मुझे नहीं पता कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो दोस्त, आपको क्वेश्चन मैं पढ़ के बताऊंगा, आंसर आपको खुद जो कि समझना होगा कि इसमें इसका आंसर क्या रहेगा। यदि नहीं पता रहेगा तो आप जो कि ढूंढ लीजिएगा, और फिर उसके बाद आप जब आपके सामने क्वेश्चन प्रेजेंट होगा तो आप जो कि उस पर ट्रिक लगाइएगा। और दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि जितने भी पेपर है सब में जो कि 4 से 5 चीज़ें जो कि बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन पूछा गया है, सब में घुमा फिरा के पूछा गया है। बस काम से रिलेटेड जो 10 क्वेश्चन लगभग हैं वो जो है कि पूछा जा रहा है, बाकी जो 30-40 क्वेश्चन है वो जो कि सब में घुमा फिरा के पूछ रहा है। जैसे दोस्त, मैं आपको बता दूं 4-5 टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे कि पहले आपका काम से रिलेटेड और आपके टूल से रिलेटेड, ये जो है कि लगभग 10 क्वेश्चन रहेगा। ये जो है कि सिर्फ ट्रेड वालों से पूछा जाएगा। जैसे मैं टाइल मेसन हूँ तो मुझसे टाइल मेसन से ही रिलेटेड रहेगा। अगर आप बार बेंडिंग है या स्टील फिक्सर या बार बेंडिंग या इसके अलावा जो कि प्लास्टर है, तो उससे ही रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये 10 क्वेश्चन। उसके अलावा बाकी जितने क्वेश्चन आएंगे सब लोगों के कॉमन रहेंगे। दोस्त, मैं आपको बता दूं कि जो कि सेफ्टी के लिए जो कि सब में वही क्वेश्चन कॉमन रहेगा, हेल्थ के लिए क्वेश्चन जो कि कॉमन रहेगा, फिर उसके अलावा जो कि टीम वर्क से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, और प्लान किस तरीके से आपको ऑर्गेनाइज करना है किसी भी जगह पे काम करने के लिए, उससे एक कॉमन क्वेश्चन रहेगा। बाकी एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो करके उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। यानी ये 4-5 जो क्वेश्चन है सब में घुमा फिरा के पूछा जाएगा। मैं जब आगे क्वेश्चन इसका खोलूंगा तो जो टाइल मेसन में क्वेश्चन कुछ था सेम जो कि क्वेश्चन इसमें भी आपको जो कि मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने मैं प्रेजेंट करता हूँ बार बेंडिंग का क्वेश्चन आंसर। बाकी इस वीडियो को पूरा लास्ट तक आप जरूर देखिए। तो दोस्तों, ये है आपके सामने स्टील फिक्सर यानी बार बेंडिंग का क्वेश्चन आंसर। बाकी दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो कि ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जो मैं सबसे पहले आपको बता रहा था पीछे, कि जो कि आपके यानी जो काम से रिलेटेड जो कि क्वेश्चन कितना रहेगा उसमें कितना मार्क्स का रहेगा, फिर उसके बाद जो है कि आपका जो और 5-6 जो फील्ड में बता रहा था उसी से रिलेटेड, जैसे आपका टीम, फिर उसके बाद जो है कि प्लान और हेल्थ सेफ्टी, इस सबसे रिलेटेड सब क्वेश्चन रहेगा, उसी से जो कि ये सब रिलेटेड मार्क दिया है कितना क्वेश्चन कितना क्या रहेगा। तो चलिए इसको छोड़ते हैं, बाकी दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मेरे पास आया है, किसी ने व्हाट्सएप पर मंगाया था लेकिन जो कि साफ अच्छे से फ़ोटो खींच कर नहीं भेजा है, तो चलिए जो है कि हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन, HYSD क्या है, यानी इसका 4 उत्तर दिया है जिसमें से इसका फुल फॉर्म है हाई यील्डिंग स्ट्रॉन्ग डिफॉर्म्ड। इसी तरीके से जो है कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग, इस तरीके से जो कि दिया है, यानी ये 4 में से जो आपको सही लगे उसको जो कि आप टिक मारिए, मुझे इसका आंसर नहीं पता है। दूसरा क्वेश्चन है कि जो है कि मीटर में TMT बार का मानक क्या है, ATM 12M 50M उपरोक्त में सभी, तो जो आपको मालूम है उसको जो कि ट्रिक लगाइए। फिर तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 लिखा गया लेकिन ये तीसरा क्वेश्चन है, कॉलम के लिए मानक कवर क्या है, 40 मिमी यानी MM 50 mm, फिर 25 mm 50 mm 75 mm, ये कौन सा, ये आपको जो कि ट्रिक मारना है। फिर उसके बाद चौथा जो क्वेश्चन है, एक निर्माण ड्राइंग में प्रतीक 80 इसमें इंच या सेंटी है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, का प्रयोग किया जाता है, तो 8 मीटर लंबाई बार, 8 mm की डायमीटर, 8 फीट लंबाई बार, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो जो आपको मालूम है उसका जो कि आप ट्रिक मारें। पांचवा क्वेश्चन, स्टील का इकाई भार होता है, तो ये आप, मुझे भी नहीं मालूम है, आपको मालूम उसको मारिए। फिर RCC का पूर्ण रूप यानी RCC जो होता है उसका जो कि फुल फॉर्म क्या होता है,
तो मेरे हिसाब से इसमें कौन सा रहेगा, फर्स्ट वाला ही शायद रहे, लेकिन कंफर्म नहीं है। तो आप जो कि जो आपको मालूम है उसको जो कि ट्रिक मारिए। फिर सातवां क्वेश्चन है टूल को पहचानिए। तो इसमें सभी लोग जो कि इसको पहचान सकते हैं कि ये जो कि हैमर यानी हथौड़ी है, तो इसका सी आंसर है। फिर टूल को पहचानिए, तो इसमें क्या है, ये जो कि आप देख सकते हैं कटिंग ब्लेड है कि स्टैंडर वागर गेज है कि रिबार कटर है। ये चीज़ें मुझे तार जैसा लग रहा है, लेकिन आपको जो लोग स्टील फिक्सर का काम करते हैं उनको मालूम होगा ये चीज़ क्या है, तो आप उस पर ट्रिक लगाएं। फिर नवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग दो सरियाओं को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि दो सरिया को एक साथ में जोड़ने के लिए जो कि कौन सा जो है कि तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो लैप ज्वाइंट है, बट ज्वाइंट है, कपलर है, उपरोक्त सभी। तो जो आपको आंसर पता उस पर क्लिक मारिए। फिर दसवां क्वेश्चन है रेबार को काटने के बाद काटे हुए सिरों को हथौड़े से क्यों मारा जाता है। तो भाई आप बताइए, काटे आंसर ए बी सी तीन है। तो मैं पहला पढ़ता हूँ, काटने की प्रक्रिया के कारण बनाने वाले तेज किनारों को कुद्र करने के लिए। फिर दूसरा बी है, या किसी भी चोट को रोकता है जो तेज किनारों के कारण हो सकता है। सी, या सरिया को संभालना सुरक्षित बनाता है। उपरोक्त सभी। तो जो आपको मालूम है उसको जो है कि ट्रिक मारिए। फिर ग्यारहवां क्वेश्चन, बिजली उपकरण की पहचान करें। ये कौन सा जो है कि टूल से, ड्रिल मशीन है कि सर्कुलर आरी है कि बार बेंडिंग मशीन है, इनमें से कोई नहीं, कौन सा है जो आपको मालूम है उसको जो कि ट्रिक मारिए। फिर बारहवां क्वेश्चन है, पिंजरे के निर्माण के लिए बाइंडिंग तार की मोटाई कितनी होनी चाहिए। 10 गेज, 12 गेज, 6 गेज या 16 गेज। तो आपको मालूम होना चाहिए, उस पर जो कि क्लिक मारिए। फिर अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, एक कॉलम को बढ़ाने के लिए 8 mm व्यास के रेबार के लिए न्यूनतम लैंप क्या लंबाई क्या है, 500 mm का या 600, 480, 650 mm। तो भाई ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर चौथा क्वेश्चन है, नीचे दी गई 26 से टाई का प्रकार बताइए। तो ये जो कि टाई आप देख लीजिए कौन सा टाई है, वो स्नैप टाई या वॉल टाई या डबल स्ट्रैंड सिंगल टाई या सैंडल टाई, जो भी हो उस पर आप ट्रिक मारें। 15 क्वेश्चन, स्टीरअप के विभिन्न आकार क्या हैं, आयताकार स्टीरअप, स्क्वायर स्टीरअप, सर्कुलर स्टीरअप, स्टीरअप, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो आपको समझ में आए उसको आपको मारना है। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मुझे इस सवालों का आंसर नहीं पता है, क्योंकि जो कि मेरा ट्रेड स्टील फिक्सर नहीं है। तो जो लोग का स्टील फिक्सर है उन्हें ज़रूर एक क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। बाकी मुझे पढ़ने में कोई त्रुटि हो रही है तो मुझे माफ़ कीजिएगा। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। 16वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कमज़ोर प्रकार की टाई है, स्लैश टाई, हेयर पिन टाई, हेयर पिन रिंग टाई, क्राउन टाई। क्राउन टाई तो कौन सा है, ए बी सी डी में से आपको ट्रिक मारना है। विभिन्न प्रकार के स्टीरअप क्या हैं, सिंगल लेग्ड स्टीरअप, दो लेग्ड स्टीरअप, चार लेग्ड स्टीरअप या उपरोक्त सभी। अब 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग बार बेंडिंग कार्य में नहीं किया जाता है, स्लैश टाई, हेयरपिन टाई, कालेश टाई और जो है कि क्राउन टाई। तो भाई आप बताइए, कालेज टाई या हेयर पिन टाई कौन सा जो है कि इसमें नहीं उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर आपको देना है। चलिए आगे पढ़ते हैं, एक निश्चित समय में काम पूरा करने के लिए क्या करना है, ज़रूरी काम पहले से हो जाए, काम जल्दी शुरू होना चाहिए, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हमें सी मारना है, क्योंकि ये देखिए थोड़ा सा अलग फील्ड का क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ पर लिखा भी है और इधर साइड में जो कि इंग्लिश का भी, इंग्लिश में भी है और हिंदी में है, दोनों टाइप का है। तो अब 20वां क्वेश्चन है कि यदि आपके उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, काम बंद कर देना चाहिए, पहला ऑप्शन है, दूसरा जो कि छुट्टी ले लेते, पर्यवेक्षक को सूचित करें, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी रहेगा कि अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करें, सी वाला। देखिए यहाँ पर जो है कि पहला जो कि टूल्स और आपके काम से रिलेटेड क्वेश्चन उतना पूछा, अब इसके बाद देखिए इधर से अब दूसरा क्वेश्चन पूछने लगा, कार्य से पहले साइट मीटिंग का उद्देश्य क्या है, यानी कार्य होने से पहले साइट पर बड़ी बड़ी कंपनियों में सबसे पहले सुबह में मीटिंग करते हैं। तो पहला आंसर ए बी सी डी है,
तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। कार्य प्रगति की योजना बनाना और चर्चा करना, भविष्य की मजदूरी दरों पर चर्चा करने के लिए, लागत के बारे में चर्चा करने के लिए, सामग्री ऑर्डर करने के लिए। तो इसमें ए वाला आंसर सही रहेगा, कार्य प्रगति की योजना बनाना और चर्चा करना। अब 22वां क्वेश्चन, एक टीम में काम करने के क्या फायदे? कम काम का बोझ, अधिक नवाचार, कम सटीकता, खराब माहौल। तो इसमें जो है कि सी मेरे हिसाब से रहेगा कि जल्दी काम हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन, यदि आप अपने जूनियर को काम से जूझते हुए देखते हैं तो आप क्या करते हैं? उसे गलत प्रक्रिया सीखने दें, उसकी मदद करें और उसे प्रक्रिया सिखाएं, उसे नौकरी छोड़ने के लिए कहें, ये सभी। तो इसमें बी आंसर रहेगा कि उसकी मदद करें और उसे प्रक्रिया सिखाएं। देखिए दोस्त, मैं आपको बताया था ना कि टीम से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि पूछा जाएगा आगे, और भी आगे देखिए पूछा जाएगा, हेल्थ से भी रिलेटेड रहेगा, सेफ्टी से भी रहेगा। और 24वां क्वेश्चन है, उपयुक्त कार्य तकनीक और पद्धति के लिए कहाँ संवाद करना चाहिए? साइट इंजीनियर, लेबर, टीम लीडर, सुपरवाइजर। यानी उपयुक्त कार्य तकनीक और पद्धति के लिए कहाँ संवाद करना चाहिए? तो अपने जो कि साइट इंजीनियर से नहीं, टीम लीडर से बताना चाहिए, वो आगे सुपरवाइजर को फिर इंजीनियर को बताएगा। 25 नंबर, बार बेंडर जॉब रोल के संबंध में चाक का उद्देश्य क्या होता है? तो मार्किंग के लिए होता होगा, सजावट के लिए तो होगा नहीं, सफ़ेद धुलाई के लिए नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ए जो कि चाक का प्रयोग मार्किंग के लिए होता होगा। 26 क्वेश्चन है कि लीवर के प्रकार का चयन करते समय किस कारक पर विचार करना चाहिए? सरिया का ब्यास, सरिया की लंबाई, सरिया का ग्रेड, सरिया का भार। तो ये जो है कि आपको आंसर देना है। अगवा नियोजन, आयोजन, निर्देशन और नियंत्रण है, प्रबंधन के फंक्शन, प्रबंधन का कार्य। फिर इसके बाद दोस्त इसमें जो कि क्वेश्चन कट गया, 28वां क्वेश्चन। अब इसमें सीधा जो कि हम 29 क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, कार्य को पूरा करने के लिए क्या आवश्यक है? जनशक्ति, स्टोर कीपर, पर्यवेक्षक, जो कि प्रबंध निदेशक। इसमें जनशक्ति होता है, मैन पावर। तो ये क्वेश्चन जो कि सही रहेगा। ये देखिए पिछला जो कि हम लोग जो टाइल का क्वेश्चन पढ़े थे उसी का सेम जो कि सब क्वेश्चन वही है, उसका आपको जो कि आंसर चाहिए, बाकी अपने काम से रिलेटेड के अलावा सभी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो आप पिछला वीडियो आप देख लीजिए, उसमें सबका जो कि टिक मारा हुआ है, जो टाइल वाला जो क्वेश्चन पेपर है उसमें सब आपको टिक मारा हुआ दिखेगा, तो उसको आप टाइम निकाल कर जरूर देख लें। तो अब आगे पढ़ते हैं, अधिकारिता किससे संबंधित है? प्लानिंग, आयोजन, निर्देशन, नियंत्रण। इसका शायद इंग्लिश में रहता तो मैं बता पाता, उतना मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है। अब अगला क्वेश्चन है, बिजली की आग को नहीं बुझाना चाहिए। तो भाई रेत से, फोम से, CO2 से, पानी से। तो पानी से नहीं बुझाना चाहिए बिजली की आग को, क्योंकि जो कि पानी फेंकेंगे तो तुरंत आपको भी करंट लग जाएगा। तो दिखाए गए प्रतीक को पहचानिए। ये जो प्रतीक है, सिंबल है, किस चीज़ का? गर्म सतह, बाहर निकले, चढ़ाई निषेध, इनमें से कोई नहीं। मेरे हिसाब से बाहर निकले का नहीं, शायद ये मुझे नहीं मालूम। अब अगला क्वेश्चन है, काम करते समय PPE का क्या उपयोग करना है? ये जो आगे PPE दिया है, शायद सेफ्टी बेल्ट है क्या, सुरक्षा बेल्ट है, समझ में नहीं आ रहा है दृश्य में उतना। तो जो कि सुरक्षा बेल्ट है या रिफ्लेक्टिव जैकेट है, ईयर प्लग है, दस्ताने है, क्या है? ये जब आपके सामने पेपर मिलेगा तो उसमें साफ क्लियर दिखेगा, तो उस पर जो कि ट्रिक मारना है आपको। फिर 34 नंबर क्वेश्चन, साइट पर साइन बोर्ड को चिन्हित करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो विभिन्न स्थानों के लिए, मार्गदर्शन के लिए, कुछ हाईलाइट के लिए, लोगों को उनके गंतव्य तक आसानी से पहुंचाने में मदद करता है, या जो है कि डी उपरोक्त के सभी। तो कुछ हाईलाइट करने के लिए, यानी इसमें मेरे हिसाब से डी वाला सही रहेगा। प्रतीक को पहचाने थे, साफ साफ दिख रहा है जो कि हाथ की सुरक्षा के लिए हैंड ग्लव्स है। फिर 42 नंबर क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, 35 के बाद 42, लेकिन ये 36 रहेगा। निर्माण स्थल पर किसी के घायल होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले जो है कि घायल होने पर प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट जो है कि ऐड देना चाहिए, तो सी वाला आंसर जो कि सही रहेगा।
इस तरीके से दोस्त इतना ही मेरे पास क्वेश्चन आया है, बाकी आपको और यानी काम से रिलेटेड तो आपको क्वेश्चन मिल गया, और इसके अलावा जो कि हेल्थ सेफ्टी और जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए, बाकी जो मेरा पिछला वीडियो उसको ज़रूर आप जाके देखें, उसमें जो कि सारा क्वेश्चन का आंसर आपको ये सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल अलग हैं, बाकी सब सेम हैं। बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद दोस्तों।